गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास सिक्स आपका सब्जेक्ट सिविक्स अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी हम डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज डाइवर्सिटी तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट तो लुक अराउंड यू इन द क्लास स्टूडेंट्स व्हेन यू इन द गो टू क्लास तो यू लुक अराउंड योर क्लासरूम डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू जैसे आप हैं वैसा आपकी तरह कोई और क्लास में दिखाई देता है सेम वैसे ही फेस <coughs> का हाइट का कलर का देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स सम आर स्मॉल सम आर फैट सम आर थिंक सम आर ब्लैक वार वाइट संवार लोंग तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर इन मैनी वेज अब इन आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कई मायनों में मैनी वेजिस में जो पीपल्स हैं एक दूसरे से अलग हैं नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट वे खाली लुक में ही नहीं बट दे ऑल्सो दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन वो डिफरेंट रिलीजन के भी नहीं होंगे डिफरेंट रिलीजन के भी होंगे धर्म के कल्चरल एंड और रिलीजियस बैकग्राउंड दीज डिफरेंसेस इन रिच आवर लाइफ्स अब यही डिफरेंसेस क्या करते हैं हमारी लाइफ्स को इनरिच करते हैं समृद्ध करते हैं स्ट्रांग बनाते हैं इन मैनी वेज कई वेज में एंड वो ऑल्सो मेक दैम मोर फन <coughs> और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस बनाते हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री देर आर सिक्स सेवन रिलीजियस रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू जैन ये क्या कहेंगे ये डाइवर्सिटी है रिलीजन की डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं भारत में हिंदुओं Hindu, हिंदूज़ के अलग हैं मुस्लिम्स के अलग हैं बौद्धिस्टों के अलग हैं जैन के अलग हैं पारसीज़ के अलग हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले इंडिया में हैं नॉर्थ इंडिया में हिंदी हरियाणवी पंजाबी ऐसे साउथ में तेलुगू तमिल मलयालम है ना ऐसे ईस्ट में मिज़ो मडी तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग भारत में रहते हैं तो इसे क्या कहेंगे ये डाइवर्सिटी है ऑल दिस डिफरेंस पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स ये हर तरह के बैकग्राउंड से आते हैं बैकग्राउंड ग्राउंड कोई रिलीजन अलग बैकग्राउंड है कोई लैंग्वेज से है कोई ट्राइब से है तो इस तरह थे एंड बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल हेल्प टू मेक इंडियन सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स यही सब इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाता है वट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स तो हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेज एज पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी ये सारे पार्ट किसके हैं डिफरेंसेज ये डाइवर्सिटी के पार्ट्स हैं कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो भी ये पार्ट ऑफ यूनिटी या डाइवर्सिटी यूनिटी की पार्ट है एकता का एक पार्ट है तो यस रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ आंसर्स खोजने की कोशिश करेंगे ओके okay. तो थ्री चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबब ये थ्री फिगर्स बनाए हैं आपकी क्लास में हैं यूज द इम्पिटी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर इज़ योर ड्रॉ सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स हर एक से अलग अलग होगा द चांसेज आर दैट योर ड्राॅइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स थ्री उन तीनों से आपका भी अलग होगा बिल्कुल ये क्लास के तीन एग्जाम्पल दिए आपको भी एक ऐसा ही ये ब्लैंक जो साइड में है इस तरह का बॉक्स दिया जाता है आप ड्रॉ करोगे तो आप इससे डिफरेंट करोगे बिल्कुल <coughs> पैसा नहीं होगा दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राॅइंग स्टाइल और इसका कारण क्या है क्योंकि हर एक के पास एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल्स है वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफरेंट टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक अवर कल्चरल बैकग्राउंड द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ यानी सब एग्जैक्टली कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल चीज़ें हैं हर एक के अंदर चाहे वो जो भाषा बोलता हो उसमें हमारा कल्चरल बैकग्राउंड हो रिलीजियस रिचुअल्स हो हमारे सब में कहीं ना कहीं एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर हिज माउथ फेल ओपन अब यहाँ पे यू लुक टू एग्जांपल्स कि यू मीन यू नो हिंदी ही आस्ड बोलता यू मीन यू नो हिंदी आप जानते हो हिंदी का पूछता है वो ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर वाई वट डिड यू थिंक तो ही पॉज्ड वट यू लुक सो अंग्रेज ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी तुम अंग्रेजी की तरह दिखते हो क्या तुम हिंदी बोल सकते हो ऑफकोर्स आई कैन आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पास आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन इन द स्कूल हिंदी एक वो है जो सब्जेक्ट के रूप में भी जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ सब्जेक्ट ही हाउ कोड आई एक्सप्लेन वट इज़ सब्जेक्ट वू समन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल जो कभी स्कूल नहीं गया हो तो क्या समझेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है तो वेल इट इज समथिंग आई बिगन वट द लाइट चेंज एंड द हैकिंग वी हैंड मी ग्रो ए हंड्रेड फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुस्ड अलोंग विद दी रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक तो कुछ ही एग्जाम्पल इस तरह बच्चों के दिए हैं तो मेन जो इसमें टॉपिक आपका है तो वाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स किस तरह से हमारी लाइफ को ये और जाना इंटरेस्टिंग बनाती है तो जस्ट लाइक समीर एक समीर दो बिकम फ्रेंड यू माइट है आर वेरी डिफरेंट फ्राम यू समीर एक समीर दो मतलब दो लड़के थे नाम एक ही था उनका तो एक समीर एक हो गया एक समीर दो हो गया और उनकी हर चीज़ अलग थी यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स शायद दोनों के खाना भी अलग अलग था घरों में सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद डैम और दोनों अलग अलग सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल्स ट्राइड आउट द क्लॉथ दे वियर और वो उनकी क्लॉथ भी दोनों के अलग थे एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल और उनकी लैंग्वेज भी <coughs> अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है मेक ए लिस्ट ऑफ़ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया मेक ए लिस्ट ऑफ़ लैंग्वेज बिसाइड्स यू योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट वन और टू वर्ड्स ऑफ यानी यहाँ पे दो वर्क हैं एक कहा है कि आप भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से फूड्स ईटन किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएँ ऐसे ही लैंग्वेज भारत की कौन सी कहाँ बोली जाती है तो उसकी एक लिस्ट बनाएं ठीक है अब डाइवर्सिटी इन इंडिया तो इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़ भारत इस ऐसा है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज़ भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है वेरियस टाइप ऑफ फूड कई तरह का भोजन खाया जाता है सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स कई तरह के सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल्स प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस कई तरह के धर्मों को यहाँ पे मनाया जाता है अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं वट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट अगर हमें इन सब के बारे में सोचें तो वी डू मैनी थिंग्स हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं देट आर सिमिलर एक्सेप्ट देट वी डू डेमिन डिफरेंट वेज डिफरेंट डिफरेंट वेज में करते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे <coughs> तो ए लिटिल मोर दैन टू हंड्रेड ईयर्स एगो और लॉन्ग हम बात करते हैं लिटिल मोर टू हंड्रेड ईयर्स से आज से पहले बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन बस और कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स आज से 200 सौ साल पहले पार्ट बने हमारी लाइफ के क्या ट्रेन एरोप्लेन और बसेस कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स ऑन हॉर्सेज और कैमल्स और ऑन फूट यानी उससे पहले ट्रेवल जो करते थे वर्ल्ड में वो शिप के जरिए घोड़े के जरिए या कैमल्स के जरिए करते थे <laughs> often they went to search for new lands or new places to settle in or for people to trade with and because it took so long to travel once they got to a place people stayed there often for a long time many others left their homes because they were famines and rot and they could not get enough to eat कभी कभी वो उन्हें घर भी छोड़ना पड़ता था किसकी वजह से फैमांस या ड्रॉट की वजह से कभी कभी अकाल आ जाता था या सूखा पड़ जाता था पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है किसी चीज़ की कमी हो गई तो वहाँ से फिर उन्हें जाना पड़ता था छोड़ना पड़ता था जब खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था तो समर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देवर वाजे वार कुछ को वर्क के सर्च में घर छोड़ना पड़ता था और किसी को युद्ध की वजह से घर छोड़ना पड़ता था तो एक जगह से दूसरी जगह पे कई चीज़ों की तलाश में लोग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते थे तो समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेज उन्होंने नए घर बनाने चालू कर दिए पीपुल बिगन टू चेंज ए लिटिल एंड अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन दे ओल्ड वेज सो देयर लैंग्वेज फूड म्यूज़िक रिलीजियस बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू इस तरह से जब न्यू जगह पे किसी को कोई कहीं से छोड़ के दूसरी जगह पे गया और वहाँ पे उसने नया घर बना लिया है तो इस तरह के जो वहाँ पे ओल्ड लोग रह रहे थे उनके साथ वो मिक्स हो गए और उनकी लैंग्वेज उनका फेस्टिवल सब अलग था तो धीरे धीरे एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज को बोलने वाले फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले अलग धर्म को मानने वाले मिक्सचर होने लगे एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर कम समटाइम्स न्यू एंड डिफरेंट यही सब क्या हो गया न्यू एंड डिफरेंट हो गया हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस सो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल हैव हैल्प टू सेव लाइफ एंड कल्चरल देयर किस तरह से हम लाइफ को इन्होंने चेंज कर दिया प्रभावित कर दिया थस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स इस तरह से जो रीजन्स थे भारत के इंटायर भारत के रीजन्स वो क्या हो गए इन हो गए काफ़ी प्रोस्पेरियस हो गए इस तरह के डायवर्सिटी में और साथ मिलजुल के रहने लगे बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज उन सब की अपनी यूनिक हिस्ट्रीज थी सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट वैन पीपल एडेप्ट देयर लाइव टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव अब सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट वैन कवाई जब उन्होंने अपने ज्योग्राफिकल एरिया को अडप्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया यानी पर्टिकुलर एरिया में जाने गए उन्होंने वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो वो डिफरेंट प्लेस के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो गए फॉर एग्जाम्पल समुद्र के किनारे रहने वाले लोग बिल्कुल डिफरेंट थे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनसे नॉट ओनली टू पीपुल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स भारत में खाली क्लॉथिंग में विटिंग में ही हैबिट में अलग नहीं है बट इवन द कांडस ऑफ वर्क वर्क में भी वो डिफरेंट है अलग अलग एरियाज में इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव आर ट्राई टाइट टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन स्टीड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड्स और ये ऐसा ही अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो शहरों में भी है शहरों में लोग की अपनी खुद की खेती नहीं होती है, वो डिपेंड करते हैं दूसरे जो वेजिटेबल होती है उनके ऊपर ठीक है तो शहरों में काम अलग होते हैं गांव में भी अलग होते हैं इसमें भी डाइवर्सिटी है गांव के लोगों के अलग वर्क होते हैं विलेजेस के शहरों के अलग होते हैं तो अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन वैन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्रफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हम कुछ समझने की आप कोशिश करेंगे आप एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए दो जगह के तो वहाँ पे हिस्टोरिकल और ज्योग्रफिकल फैक्टर्स जो रीजन की डायवर्सिटी होती है उसको किस हद तक प्रभावित करते हैं तो वी कैन डू दिस वाई रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफ़रेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री केरला एंड लद्दाख लद्दाख द नॉर्थ ऑफ इंडिया इंडिया के नॉर्थ में और केरला इन द साउथ टू डिफरेंट प्लेसेस ओके तो लेट लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख कैन यू लिस्ट थ्री वेज इन विच द डिफरेंट जोग्रफिकल लोकेशन ऑफ दीज टू रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग कोई थ्री डिफरेंसेज आप बता सकते हो जो इनको अलग करते हैं द फूड पीपल ईट द क्लॉथ्स दे वियर द वर्क दे डू ओके तो लद्दाख लेट अस स्टार्ट स्टोरी ऑफ लद्दाख लद्दाख इज़ ए डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर के का ईस्टर्न पार्ट है जो कि कैसा है माउंटेन ये माउंटेन है लद्दाख और यहाँ पे डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं हॉट डेजर्ट हो गया हमारा सहारा मतलब सॉरी थार इन राजस्थान और कोल्ड डेजर्ट लद्दाख तो ये कोल्ड डेजर्ट है जो कि जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इज स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे बारिश न मात्र की होती है पूरे साल यहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है ये क्षेत्र देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन्स बहुत कंपेर्ड इस रीजन्स में उगते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स और यहाँ पर पानी के लिए वो डिपेंड रहते हैं समर के मंथ में जब बर्फ़ पिघलने लगती है उस समय तो पीपल हेयर कीप सिप एंड शिप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पस्मीमा यहाँ पे जो रेयरिंग करते हैं लोग वो सिप्स को करते हैं सिप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ की फेमस पस्मीना वूल पूरे वर्ल्ड में फेमस है जिससे सॉल्स बनती हैं और भी क्लॉथ बनते हैं बहुत ही आपकी वम होती है पस्मीना वुल दिस वुलज़ और बहुत प्रीसियस होती है दिस बुलज प्राइज्ड एंड पस्मीना सॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बहुत महंगी होती है द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शिप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर पश्मीना सॉल्स आर चीपली वुमेन इन कश्मीर कश्मीर में बहुत सस्ते में क्या होती है वुमेन होती है बुनाई होती है इसकी द पीपल ईट मीट एंड द मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर यहाँ के लोगों का जो फूड है वो मीट है मिल्क है और चीज़ और बटर भी है ईच फैमिली ऑन सम गॉड्स डोजेस याक काउज बोलते हैं यहाँ पे हर फैमिली में गोट होंगी काउज होंगी और याक काउज होंगे जो कि डेजर्ट लद्दाख में ही पाए जाते हैं बींग ए डेजर्ट डिड मी मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स <coughs> यहाँ का जो मार्केट है वो बहुत अट्रैक्ट करता है यहाँ के ट्रेडर्स को इट वॉज़ कंसिडर्ड ए गुड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रो विच कारवानस ट्रेवल टू वाट इज़ टूडे कॉल्ड तिब्बत जो आज तिब्बत जिसे हम कहते हैं ये एक समय बहुत ही फेमस रूट था ट्रेडर्स का जिसे हम सिल्क रूट भी कहते हैं वो इसी एरिया से होते हुए जम्मू कश्मीर के ऊपर से होते हुए यूरोप को जोड़ता था सिल्क रूट तो ये हमेशा से ही फेवरेट और अट्रैक्ट करने वाला एरियाज रहा है लद्दाख ट्रेडर्स के लिए दीज कारवांस कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइस रॉ सिल्क एंड कारपेट्स जो ट्रेडर्स रहते थे वो यहाँ से कारवाज़ में चलते थे कारवाज़ मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल लोगों एक साथ चलते थे कारवाज़ में चलते थे ग्रुप में चलते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे टेक्सटाइल ले जाते थे कपड़े ले जाते थे मसाले ले जाते थे और जो रॉ सिल्क है वो ले जाते थे और कारपेट्स यहाँ से ले जाते थे यूरोप में <laughs> बुद्धिज्म रिज्ड तिब्बत वाया लद्दाख लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत यहाँ पे बुद्धिज्म पहुँचा रिज तिब्बत बाया लद्दाख से होते हुए तिब्बत में और लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 हंड्रेड ईयर्स अगो चार सौ साल पहले यहाँ पे इस्लाम आया एंड देर इज़ ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर यहाँ पे पर्याप्त मुसलमानों की पॉपुलेशन है लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ द सॉन्ग एंड पोयस लद्दाख बहुत ही रिच है प्रोस्पेरियस है किसमें ओरल ट्रेडिशन में यहाँ के सॉन्ग और पोएम में लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल लिपिक द केजर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संगवाई बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट यहाँ पे जो तिब्बत नेशनल लिपिक है केजर सागा यहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों साथ, साथ परफॉर्म करते हैं गाते हैं तो आज के लिए इतना ही कल नेक्स्ट लेक्चर में हम अबाउट केरला के, के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू